नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया कटहल के कबाब। आपने कटहल के कबाब या कटहल का टिक्का इससे पहले इस तरह से कभी भी नहीं बनाया होगा, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो फिश टिक्का भी इसके आगे फेल हो जाएगा। सबसे पहले मैंने 400 ग्राम कटहल को लेकर अच्छी तरह से धोकर इसको काट लिया है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एकदम कच्चा कटहल है। पका हुआ कटहल जो है वो उतना अच्छा टेस्ट में नहीं लगता है। अब हम कुकर के अंदर जो कटहल है उसको सारे टुकड़े उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। आप चाहें तो ये कटहल को बाज़ार से भी कटवा सकते हैं, वो लोगों के पास अच्छा चाकू होता है तो वो आराम से काट देते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून के लगभग हम इसमें हल्दी डाल देंगे। बिल्कुल आधा कप हम इसमें पानी डाल देंगे और 2 से 3 सीटी आने तक अच्छी तरह से कुकर का ढक्कन बंद करके पकाएंगे। जब कुकर ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी सीटी जो है वो निकाल कर खोलेंगे। कटहल अच्छी तरह से गल गया है, बस हमें इसी तरह से गला हुआ कटहल चाहिए। आप चम्मच से थोड़ा सा हाथ से दबा कर देख लें, अगर आपको लगे कि कटहल अभी कम गला है तो इस समय आप इसे 1 सीटी और लगा सकते हैं, पर हमें इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे मिक्सी के जार के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे। हमें इसको बिल्कुल दरदरा पीसना है। 1 से 2 मिनट तक मिक्सी चलाएंगे तो ये अच्छी तरह से पीसकर तैयार हो जाएगा। बस अब हम इसके कबाब बनाने की तैयारी करेंगे। मैंने जो ये पीसकर बैटर बनाया था इसको हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैंने इसमें 1 चम्मच बारीक काटी हुई अदरक डाली है, 1 बड़ा चम्मच बारीक काटा हुआ गार्लिक यानी लहसुन डाला है, और 1/2 चम्मच के लगभग मैंने इसमें हरी मिर्च को बारीक काट कर डाला है। इन चीज़ों का कबाब में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 से 3 फाइन चॉप करके हुए हम इसके अंदर 2-3 चम्मच के लगभग प्याज ऐड कर देंगे। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते तो उसको स्किप कर सकते हैं। अब 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। 1/2 चम्मच हम नमक डाल देंगे क्योंकि हमने उबालने के समय भी नमक डाला है। 1/2 चम्मच हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। 1 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाले से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम 1 कप के लगभग बारीक हरा धनिया काटा हुआ इसके अंदर मिला देंगे। धनिया हम इसमें जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास थोड़े पुदीने के पत्ते पड़े हों तो आप उसको भी काट के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसका एक बहुत सॉफ्ट बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी इसके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे तो मैंने इसमें 1/2 कप के लगभग भुने हुए चने का आटा डाल दिया। 2 टीस्पून हम इसके अंदर देसी घी या मक्खन डाल देंगे। इससे कबाब बहुत खस्ता बनते हैं और बहुत ज़्यादा करारे कुरकुरे बनते हैं। ये कबाब आप एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही ज़्यादा ऊपर से कुरकुरे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट जूसी कबाब बनकर तैयार होंगे। अगर आप थोड़ा खट्टा ज़्यादा पसंद करते हो तो इसमें 1/2 चम्मच नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसका एक बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे जिसके कि हम कबाब अच्छी तरह से बना सकें। अब हम हल्का हल्का जो है ऑयल हाथों पे लगाएंगे और कबाब को मनचाही शेप देंगे, क्योंकि ये कबाब का टेस्ट बिल्कुल फ़िश जैसा लगता है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं इसलिए मैंने इसको बिल्कुल फ़िश की शेप दी है और बीच में से एक हल्का सा होल कर दिया है ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी और कुरकुरे कबाब बनकर तैयार हो। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग गोल या चौकोर किसी भी तरह की शेप इसको दे सकते हैं। इस तरह से हमारे बहुत अच्छे वेज फ़िश टिक्का कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसमें हमने किसी भी नॉनवेज चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, केवल हमने कटहल से इसके इस तरह के कबाब बनाकर तैयार किए हैं। इसी तरह हल्के हल्के हाथों से हम ऑयल लगाते हुए सारे कबाब जो हैं बनाकर तैयार कर लेंगे। इन कबाब की खास बात यह है कि आप इन्हें बनाने के बाद 1 से 2 दिन तक आराम से बिना तले किसी भी एयर टाइट कंटेनर में तैयार करके रख सकते हैं। आजकल रमज़ान के दिन चल रहे हैं तो आप चाहें तो इस तरह से इन कबाब को तैयार करके रख सकते हैं, और जिस समय आपको सर्व करने हो आप इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लें। बस ये ध्यान रखना है कि हमें इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखना है और डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमारे सारे कटहल के कबाब बनकर तैयार हैं। ये बिल्कुल एक नई रेसिपी है और खाने में आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लंच या डिनर के साथ इसे साइड डिश के तौर पर या एक स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके लिए एक चटनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1/2 कच्चा आम, 1/2 कप पुदीने के पत्ते, 1 कप हरे धनिया के पत्ते, 4 से 5 हरी मिर्च जितना आप तीखा पसंद करते हो वो डाल दिया मिक्सी के जार में, 1 चम्मच भुना जीरा, 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 चम्मच मैंने इसमें बारीक काटा हुआ अदरक डाल दिया है, और 3-4 हम आइस क्यूब डाल देंगे। आइस क्यूब डालने से चटनी का रंग बिल्कुल हरा बना रहता है, क्योंकि पीसे समय चटनी गर्म हो जाती है और पुदीना काला पड़ जाता है, तो इसलिए अगर आप आइस क्यूब डालकर जब भी चटनी बनाएंगे
तो वो काफ़ी दिन तक एकदम इसी तरह हरी बनी रहेगी। ये देखिए कितनी अच्छी चटनी बनकर तैयार है। और क्योंकि इसमें हमने नींबू की जगह कच्चे आम का इस्तेमाल किया है तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी काफ़ी अच्छी आई है। अब हम ऑयल को गर्म करेंगे और धीरे धीरे करके सारे कबाबों को इस तरह से तलकर तैयार कर लेंगे। शुरू के 2 से 3 मिनट तक हम इन्हें मीडियम हॉट फ्लेम पर तलेंगे, लेकिन हम इन्हें पलटेंगे नहीं। जब इनके ऊपर एक हल्की सी लेयर बन जाएगी तब हम इन्हें बिल्कुल हल्के हाथ से पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह गोल्डन होने तक अच्छी तरह तलकर तैयार कर लेंगे। इन कबाबों के फटने का चांस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने इसमें बाइंडिंग के लिए चने के आटे का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा, और अगर कुछ भी ना मिले तो आप बेसन को हल्का सा भूनकर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी अवेलेबल ना हो तो आप इसके अंदर आप ब्रेड के टुकड़े भी डाल सकते हैं, उससे भी ये कबाब इतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। जब दोनों कबाब दो अच्छी तरह से दोनों तरफ से सुनहरा सिककर तैयार हो जाएगा तब हम इन्हें एक एक करके गैस से उतार लेंगे। ये कबाब खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इनका बिल्कुल आपको अलग तरह का टेस्ट आएगा। इस तरह से हम सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे और सर्व करने के लिए मैंने जो चटनी बनाई थी उसके साथ सर्व किए हैं। साथ में आप चाहें तो प्याज और खीरे टमाटर वगैरह की सलाद भी थोड़ी सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप सबको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बिल्कुल कटहल की नई रेसिपी है। आप सबका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्लीज़